हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गैस, मैं आपके सामने एक नए ट्रेल के साथ आया हूँ। और आपको पता है, ये नया ट्रेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है गैस। आपको पता है कि हम जो मूवी है मर्क्यूरी, और वो काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, क्योंकि ये प्रभु देवा इसमें विलन है गैस, सुपर विलन। आपको आपने देखा होगा ABCD में उन्होंने काफ़ी लोगों को डांस सिखाया। और नाउ ये जो मूवी है मर्क्यूरी, एक साइलेंस थ्रिल मूवी है गाइस, इंडियन साइलेंस थ्रिल मूवी, और ये काफ़ी ऑसम मूवी है गाइस। सो गाइस, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले तो ये एक इंडियन साइलेंस थ्रिल मूवी है गाइस, और इसके डायरेक्टर जो हैं कार्तिक सुबराज जी हैं, और इनके प्रोड्यूसर जो हैं धवल जयंती लाल गढ़ा जी हैं। और एक्टर्स के बारे में आपको बता दूँ, प्रभु देवा जी हैं एज अ विलेन, मिस्टर सानंद रेड्डी इसमें। और पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट किया। पेन स्टूडियो स्टोन थ्रिल साइलेंस थ्रिल। Life is at war. Most powerful screen. Awesome. मुझे तो मूवी काफ़ी हॉरर लग रही है गाइस, हॉरर मूवी लग रही है देखने से। लोग काफ़ी डर रहे हैं मूवी में। प्रभु देवा इज ऑसम एक्टर गाइस, ऑसम एक्टिंग बाय प्रभु देवा, थम्स अप फॉर प्रभु देवा। इज अ मोस्ट टैलेंटेड डांसर, एक्टर एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मच्छी डायरेक्टर। मूवी मर्क्यूरी क्यों है ये मैं बोल नहीं सकता, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो रीज़न है मर्क्यूरी नाम रखने का। मे भी मुझे लगता है शायद उसके साइड इफेक्ट से, जो प्रभु देवा है वो एक जॉम्बी या फिर एक हॉरर घोस्ट में भी बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ गाइस। मूवी काफ़ी डरावनी और काफ़ी एक्साइटिंग है। एक्चुअली मेरे को एक्साइटमेंट ज़्यादा हुआ डर के से ज़्यादा, एक्साइटिंग है, काफ़ी थ्रिल है। पिक्चर अच्छी है गाइस, देखना चाहिए। ये था मेरा मूवी के बारे में अपना व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। अगर आपको लगता है कि मूवी कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, सो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और हाँ गाइस, और जो नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जो नए हैं व्यूवर्स हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको मूवी के बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे गाइस, अपने व्यूज देते रहेंगे। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन। बट आज गाइज, आपको पता है वुमेंस डे है, सो हैप्पी वुमेंस डे फॉर ऑल लेडीज। खासकर जेंट्स के लिए मैसेज है कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए गाइस, केवल अपने परिवार की नहीं लेकिन हमारे देश की लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए गाइस। अपने पेरेंट्स, अपने परिवार की तो कीजिए ही,
वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है, लेकिन देश के लेडीज के साथ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, तभी देश अच्छा बनेगा, तभी देश जागरूक होगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले पढ़ा था, जिस परिवार में एक लड़की पढ़ती है, शिक्षित होती है, वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, फिर एजुकेट करती है। जो लड़कियां जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, एक फैमिली की बैकबोन होती है गाइस। ओके, सो वुमेन्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए गाइस, वही एक समाज, अच्छे समाज की नींव है गाइस। सो ये था मेरा रिएक्शन, और आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट मूवीज़ का रिएक्शन देते रहूँ, तो प्लीज़ मूवी के लिंक्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद। हाँ, देश के लिए हमेशा काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए, अपना इनोवेटिव आइडियाज़ हमेशा सोचते रहिए, उस पर वर्क करते रहिए। मुझे पता है फेलियर्स लाइफ में आते हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। ट्राई ट्राई करते रहिए गाइस, ट्राई करने पर ही, अगर आप फेल होते हैं कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए जब तक आप सक्सेस नहीं होते। सो गाइस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू और जय हिंद।